कौन है वो? कौन? जिससे तुमने पहले शादी करी थी। किसकी बात कर रहे हो? और ये कहां से आ गया दूसरी शादी? मेरे से तो तुमने दूसरे शादी करी है ना, मैं पहली शादी किससे करी है वो पूछ रहा हूँ। भाई तेरी वाइफ है ना पहले से शादीशुदा है? अबे शादीशुदा है तभी तो मेरी वाइफ है ना पागल। अबे तेरे से तो दूसरी शादी हुई उसकी, और उसका पहला पति तो कोई और है, वो पहले ही किसी और से शादी कर चुकी है। पर ये सब तुझे कैसे पता? अबे पागल ये देख। पर भाई ये फोटो तेरे पास कहाँ से आई? अबे भाई है करूँ मैं, और उसने ना 3 साल पहले फोटो अपने फेसबुक से डिलीट की थी, और मैं ना वही डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। और एक बात बता, तुझे क्या लगता है वो किसी से बात बात करती है क्या? भाई यार ऐसा तो मुझे कभी पता नहीं लगा। चल कोई नहीं, तू परेशान मत हो, जिंदगी में ना कभी कोई दिक्कत आती है कभी कोई। भाई अब जो हो गया उसे तो कोई बदल सकता है नहीं। अब तू एक काम कर, उसे ना सेकंड हैंड बीवी समझ के रह ले उसके साथ। भाई तू मैं एक काम कर, तू ना ये फोटो मुझे भेज। बात बताओ तुमने हमारी शादी में कौन से कलर का लहंगा पहना था? रेड कलर का। अच्छा तो एक मिनट रुको, इस कलर के लहंगे में तुम्हारी शादी की फोटो कहाँ से उठते हुए आ गई? अरे ये पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। बस बस तुम्हें ना मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मुझसे बोलोगी ना सच बोलना। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये फोटो हमारी शादी से पहले की ही है। वो मेरी जो कजन भी है ना, मौसी की बड़ी बेटी, वो ना एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, और उनको एक फंक्शन में मॉडल को ना मेकअप करना था, बट मॉडल ने ना उन्हें एंड टाइम में डिच कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसा मेकअप किया और ऐसे ड्रेस पहनाई, और ये फोटो भी तभी की है। झूठ बोल रही हो ना तुम? तुम मुझे बुद्धू समझती हो? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ क्या? मुझे ना सच सच बताओ कौन है वो, उसे अभी की अभी फोन मिलाओ और अभी बुलाओ यहाँ पे, मैं नहीं जानता कुछ। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, ये फोटो पहले की है। और एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा मेकअप किया है और ऐसे कपड़े पहने हैं तो मतलब मेरी शादी हो जाएगी? कैसी बात करते हो यार आप। अच्छा जी तो तुमने फेसबुक से ये फोटो क्यों डिलीट करी? ये मैंने डिलीट नहीं करी थी, अरे जब आपसे रिश्ते की बात चल रही थी ना तब मम्मी ने बोला था कि डिलीट कर दे, ऐसे अच्छा नहीं लगता तैयार शैयार होके तूने डाल रखी है, लड़के वाले क्या कहेंगे। तो मैं क्या करती, मैंने कर दी डिलीट। सचमुच ये फोटो ही है ना, उन दीदी के बोलने पे तुमने ऐसा पहना हुआ था ना, पक्का ना कोई और चक्कर तो नहीं है ना? यार मैं सच बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है, और अगर होता भी तो आपको क्या कभी भनक ही नहीं लगती, कभी महसूस ही नहीं होता? अरे तो यार तुम इसमें कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हें तो इस लाइन में घुसना चाहिए था, और तुम ना अभी भी ये कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार शादी के बाद ये सब करने के लिए कौन अलाउ करता है, और आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घर से बाहर जाऊंगी। अरे रुचि ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी क्या सोचेगी क्या बोलेगी, हम जिंदगी में बस यही सोचते रह जाते हैं। मैं करूंगा तुम्हें सपोर्ट, तुम्हारा जो दिल करे ना तुम वो करो, बस ना दूसरी शादी मत करना किसी से कभी। अरे जब आप जैसा इतना सपोर्टिव हस्बैंड मेरे साथ है तो मैं दूसरी शादी के पीछे क्यों भागूंगी, वैसे अगर मैं इस फील्ड में जाऊं तो पक्का आप सपोर्ट करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल करो यार। थैंक यू यार, आप बहुत अच्छे हो।